जय मैडम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चकोला पापड़े। तो बहुत ही इजी है, तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए और फिर। सो गाइस, चकोलावा ब्रेड के लिए हमें चाहिए चॉकलेट। तो देखिए यहाँ पर मैंने अमूल चॉकलेट लिया है, तो मुझे इतना ही चाहिए। और देखिए यहाँ पर ब्रेड लिया है, कोको पाउडर, फ्रेश क्रीम। तो मैं साइड जो है ब्रेड का वो कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो आगे देखिए मैं क्या करती हूँ, तो आपको इजीएस्ट वे से दिखाऊँगी कैसे आप जो चकोलावा ब्रेड है वो बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 पीसेस लिया है ब्रेड पर, और इस तरह से आप साइड पे पानी लगा कर भी आप सेक सकते हैं। किनारा निकाल कर आप ब्रेड को अच्छे से प्रेस कर लेना हाथों से या बेलनी से, और फिर चारों ओर पानी लगा कर अंदर आप चॉकलेट दे सकते हो। तो मैं इस तरह से नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें सॉस बनानी है, तो मैंने यहाँ पर जो डार्क चॉकलेट है वो लिया है, तो चॉकलेट का पीसेस है। इसके साथ मैंने फ्रेश क्रीम डाला है और बटर, और साथ में कॉन्वेंस मिल्क भी, तो साथ में कोको पाउडर भी है। तो अभी मैं मिल्क इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ, तो ये देखकर हमें अच्छे से मिक्स करके फिर देखिए मेरा सॉस तैयार है। तो अभी मैं क्या करूँगी आप लोग देख लीजिए, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। तो जब ठंडा हो जाएगा तब ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए चकोलावा ब्रेड बनाने की और भी तरीका मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप कट कर लेना ब्रेड को, और फिर आप हाथों से प्रेस करके, और देखिए जो अंदर है स्टफिंग में आप चॉकलेट देना, और फिर साइड को आपको सील कर देना है। तो ये इजी होता है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, तो मैं कुछ अलग ही कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो देख लीजिए, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इस मोल्ड को रैप कर रही हूँ। तो ये करने से क्या होता है कि जो चॉकलेट लावा ब्रेड है वो अच्छे से निकल कर आ जाएगा बाहर। और देखिए बहुत ही इजी होता है ये करना, और देखिए मैंने उल्टा लगा दिया है। आगे आगे क्या करती हूँ आप लोग देख लीजिए। तो अभी तो मैं बटर मेल्ट करूँगी। तो देखिए बटर मेल्ट कर लिया, तो मैं जो मोल्ड है उसे अच्छे से लगाऊंगी चारों ओर से। मैं जो बटर है उसे स्प्रेड कर दूंगी। तो आप देख लीजिए, तो ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। तो अभी मैं इसके अंदर जो ब्रेड है वो दूंगी। तो देखकर मैं पानी से साइड पर पानी दूंगी और इसको अच्छे से सील करूंगी। तो क्या क्या करती हूँ तो आप लोग अच्छे से देखना, और ये बहुत ही इजी होता है गाइस, तो आप लोग देख लेना क्या करती हूँ। तो देखिए, तो गाइस आप लोगों ने एक बात नोटिस किया है कि मैं हाथ को छिपाती रहती हूँ। तो जो मेरा दाहिना हाथ है वो तो बुरी तरीके से मेरा जल गया था, गरम जो तेल है वो गिर गया था। तो देखिए जो सॉस मैंने बना कर रखा है उसे मैंने डाल दिया है अभी, तो ये ठंडा हो गया था। और चारों ओर से गाइस अच्छे से सील करना, नहीं तो ये टूट सकता है। तो देखिए लास्ट में मैं डालूँगी जो चॉकलेट है, आप ढेर सारे चॉकलेट इसमें डाल सकते हो, तो ढेर सारा लावा इसके अंदर से निकलेगा। तो मैं इतना ही। और ये वीडियो को आप स्किप ना करके अच्छे से देखें, और जब आप ये करोगे घर में और अंदर से जब लावा निकलेगा जो चॉकलेट लावा ब्रेड का, तो ये देखने लायक होगा और आप लोग खुश हो जाएंगे और आपका मेहनत रंग लाएगा। तो इस तरह से ही करना। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, और साइड से आप लोग अच्छे से इसे सील कर देना, नहीं तो जो लावा है वो निकल कर आ जाएगा। तो अभी मैं इसको बेक करूंगी, और बेक के साथ साथ
चॉकलेट मेल्ट होगा अंदर और निकल के बाहर आ सकता है, तो इसलिए अच्छे से इसे सील करना है हमें। तो अभी प्री हीटेड जो कढ़ाई है इसका तैयारी मैं पहले से ही कर लिया था, तो देखिए इसमें मैं रख दूंगी और फिर 10 मिनट। और ब्रेड पहले से ही बेक किया हुआ था तो मिनिमम 7 मिनट लगेगा, तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है क्योंकि आपका जो फ्लेम है इसके ऊपर निर्भर करता है, तो आप लो फ्लेम में इसे पकाना। और देखिए जो इसका रंग है मैंने दिखा दिया है, तो इस तरह से ही रहना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए मैं डीमोल्ड कर रही हूँ, तो देखिए दिखने में कितना सुंदर है, ये केक जैसा हो गया है। तो देखिए, तो अभी मैं इसके अंदर से लावा आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग देखते रहिए। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि ये केक की तरह दिखने में लग रहा है, तो अभी मैं इसका जो फॉइल है वो निकालूंगी और फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसका कट करूंगी और देखिए अभी लावा निकल के बाहर आएगा, तो ये देखने के लिए इतना मेहनत है। तो अभी मैं कट कर रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। और देखिए तो अभी लावा निकल कर बाहर आएगा, तो ये देखकर मेरे मुंह से निकला याहू। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। और अभी तो मैं इसे टेस्ट करूंगी और ये गर्मा गर्म ही खाना चाहिए क्योंकि जो ब्रेड है वो भी थोड़ा सा क्रिस्पी होता है नीचे से और सॉफ्ट भी होता है ऊपर से, तो सब कुछ मिलकर और लावा भी साथ में पड़ता है मुंह में, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा मुंह में तो पानी आ गया, तो अभी मैं देखिए मैं खा रही हूँ। तो मैं अकेली नहीं खाई, मैंने बाबू को दिया, सोना को और इसके पापा को। तो गाइस सच कह रही हूँ, ये आप घर में ज़रूर ट्राई करना और मेरे घर में तो सभी के मुंह से वाव, और ये गर्मा गर्म जस्ट वाव। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरी नई नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।